हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राजू है, आप देख रहे हैं फाइंडर राजू यूट्यूब चैनल। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं ट्यूटोरियल के साथ, तो वीडियो को एंड तक और लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए। इस वीडियो में वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप। और थोड़ा सा एक भी स्टेप अगर मिस होगा तो वीडियो बनने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना बकवास के, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्स आर्ट को ओपन करना है इस जगह से। इस पिक्स आर्ट को ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। इस जगह से प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आना है, स्क्रॉल कर यहाँ कलर बैकग्राउंड दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पर इरेजर का जो ऑप्शन है, इरेजर जो बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टूल्स पर क्लिक करिए, टूल्स पर क्लिक यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करिए, और सबसे लास्ट में इधर चलाइए, यहाँ पर आपको यूट्यूब मिल जाएगा। यूट्यूब इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके ऊपर जो डन का आइकन दिख रहा है, सी का आइकन, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने का यहाँ से ऐड करना है आपको इमेज की, यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक करिए और एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर चल जाइए गैलरी में जाने के आप यहाँ से आपको अपना इमेज या किसी का इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जैसे मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया, यहाँ से ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से सबसे लास्ट में आइए और यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिल का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसका यहाँ से तीर का ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, इस पर क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इस तरह से बढ़ा देने के बाद इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव पर क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा साइज को बढ़ा दीजिए, ताकि दिखने में अच्छा लगे, वहाँ एडजस्ट करने में सही रहेगा। और इसका यहाँ से सही का आइकन दिख रहा है ऊपर में, इस पर क्लिक कर दीजिए, और इसका तीर का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसका यहाँ से आपको सेव दिख रहा है, सेव पर क्लिक करके यहाँ से इसको डन कर दीजिए। उसके बाद चलिए कैन मास्टर ओपन करते हैं, उसके बाद बताते हैं कैन मास्टर पिक्स लेब को उसका ओपन करना है। पिक्स लेब को ओपन कर लीजिए, आपको पास नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए, डिलीट करने के यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करिए, उसके बाद इमेज साइज को यूट्यूब कर लीजिए। इस जगह यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट करिए। उसके बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करिए और फ्रेम टू गैलरी को क्लिक कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ से आपको एक ये क्या कहता है, दिल वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेना फ्रेम को। इस सारे को सारा फ्रेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा प्रोजेक्टर को। और इसका यहाँ का सही आइकन पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना। इस जगह एडजस्ट करने के बाद यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पर देख रहा है, इस आइकन पर क्लिक करिए और इसको यहाँ इस जगह से थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और यहाँ इरेजर कलर जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर इसको अनेबल कर दीजिए। अनेबल करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ सही का आइकन दिख रहा है, इस पर टिक कर दीजिए। सही का आइकन यहाँ से क्लिक करके सही का आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ क्या करना है आपको, सही का आइकन पर यहाँ से क्लिक करना है। इस जगह से इसको पूरा थोड़ा छोटा कर दीजिए और यहाँ से सही का आइकन पर पेंसिल पर क्लिक करके इसको सही का आइकन क्लिक करिए। और यहाँ से आपको एक इरेज करना है, इरेज करने के लिए आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से चूज कर लेना है इस जगह से, यहाँ से ये जो हरा वाला जो है ग्रीन वाला, इसको यहाँ सेलेक्ट करिए, इसको डन कर लीजिए। डन करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, ताकि वहाँ पूरा जो ग्रीन वाला ऑप्शन है वो पूरा हट जाएगा। उसके यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद उसको यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छा रहेगा। हाँ चलिए इतना सही है। उसके बाद प्लस का कंट्रोल फिर से क्लिक करिए, आप फ्रॉम टू गैलरी करिए, जो लेडीज वाला जो बनाए थे इस दिल वाला, दिल में जो सेलेक्ट किए थे इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्या करें, इसको डन कर दीजिए, यहाँ से इसको साइज को अपने हिसाब से इसको मिला दीजिए। इस तरह से आपको मिला देना है। फिर हम इसको पहले मिला देते हैं, उसका क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इधर। स्क्रॉल करने के बाद क्या करना है, इसको बैक कर देना है। बैक कैसे, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए इस जगह लिखा हुआ है
टू बैक, इस पर क्लिक कर दी, क्लिक कर देगी इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। इसके यहाँ से आप ना इसको एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। चलिए एडजस्ट हो गया यहाँ से, और इसका क्या करना है, इसको सेव करना है। यहाँ सेव पर क्लिक करिए, यहाँ इमेज पर क्लिक करिए, और यहाँ से आपको कस्टम दिख रहा है, इसको यहाँ से क्लिक करके इसको अल्ट्रा कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। चलिए सेव हो गया इसका। चलिए आप कैन मास्टर ओपन करके आपको दिखाते हैं क्या क्या कैसे करना। कैन मास्टर को ओपन करना है, उसको यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक करिए, 60:9 को सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को पूरा और लास्ट देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप, जो थोड़ा मिस्टेक होगा थोड़ा से तो वीडियो बनने में दिक्कत हो सकता है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। उसके बाद मीडिया पर क्लिक करिए, यहाँ से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, सबसे नीचे चलाइए, आपको इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना, इस वाले को यहाँ सेलेक्ट कर लिए, इसको डन कर दिए। डन करने के बाद क्या करना है, इसको साइज को थोड़ा लेयर को बढ़ा देना है, 8 से 10 सेकेंड कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। उसका क्या करना है, इसको डन कर देना। डन करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ से इसको कलर को अपना थोड़ा सा मिला दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे, इस तरह से ऐसा इस तरह से मिला देना, लाइट हो जाएगा कलर, और इसको यहाँ से डन कर दीजिए। डन कर क्या करना है, इसको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक अच्छा सा एक बैकग्राउंड लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं। चलिए कौन सा ले लें यहाँ से, चलिए इसको सही है, इसको यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से इसको लेने के बाद क्या करना है, इसको बढ़ा देना लेयर को, इस तरह से बढ़ा दीजिए यहाँ से, और इसके यहाँ लेयर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और इसको यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद क्या करें, यहाँ से पूरा बढ़ा दीजिए, और यहाँ से आपको डन कर दीजिए। डन करने के बाद क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इस इफेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो पानी दिख रहा है, पानी को चलाना है, चलाने के लिए इसको लेयर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और इसको क्रॉप पर क्लिक करिए, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए इस तरह से, और इसको यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने का क्या करना है, इसको साइज को बढ़ा देना है, इस तरह से बढ़ा देना है इसको ऐसे, और इसके यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग क्लिक करने के ऊपर थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, और थोड़ा नीचे वाला थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और इसको यहाँ से डन कर दीजिए। नीचे पानी चलने लगा, उसका क्या करना है, लेयर पर फिर से क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, आपको फिर से यहाँ से आपको इस वाला जो चांद तारा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस चांद तारे को सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, इस जगह एडजस्ट करना है, इसको लेयर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इस तरह से बढ़ा देना है, और यहाँ से इसको डन कर दीजिए। डन कर इसको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करिए, और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करिए, और आपको एक पिक्स आर्ट पिक्स लेब से जो इमेज बनाए थे उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से लव वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको इस तरह से छोटा कर देना। छोटा करने के बाद क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना है, यहाँ पर ला कर इसको लेयर को बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने के बाद क्या करें, इस पर चाबी के आइकन पर क्लिक करना है, इस फोटो वाला सेलेक्ट करके इस पर चाबी के आइकन पर क्लिक करिए, और थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए इस तरह से थोड़ा सा, और यहाँ पर ले आइए इस जगह पर। चलिए इतना भी सही है। उसका क्या करना है, इसको डन कर देना है। डन करने के बाद लेयर पर फिर क्लिक करिए, यहाँ पर ओवर लेयर पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से डीजे लाइट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो लाइट आपको पसंद है कोई सा भी आप लाइट यहाँ से सेलेक्ट कर। चलिए मैं इस लाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं क्योंकि जो इस डीजे लाइट जो है इसके मुताबिक इस कलर के मुताबिक ये सही है। और क्या करना है, इसको यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, इस जगह पर यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए, उसका इसको यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने में क्या करना है, फिर से लेयर पर क्लिक करना है, और मीडिया पर क्लिक करना है, और आपको एक और इमेज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं जान वाला इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसको लेयर को बढ़ा दीजिए, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इसको इस फोटो पर सेलेक्ट कर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस साइड ले आइए। इधर लाने के बाद क्या करना है, इसको चाबी के आइकन पर क्लिक करना है। चाबी के आइकन क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए फोटो को, इस तरह से लेयर को इस तरफ घींच के लिया है, यहाँ पर इस जगह पर लाने के बाद इसको डन कर दीजिए। डन करने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिर्फ लेयर पर लिया और मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक और चार्ज को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो चांद तारा है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से इस जगह पर बिठा दीजिए, और इसको यहाँ से इस तरह से इसको लेयर को बढ़ा दीजिए, और फिर से इसको लेयर पर क्लिक करिए, और ओवर लेयर में जाके आपको एक और
ले लेना है यहाँ से। चलिए मैं इस लाइट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डन कर दीजिए। डन कर करके अगर लेयर को बढ़ा दीजिए और लाइट थोड़ा ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस तरह से इस जगह पर। अरे छोटा हो गया, इसका क्या करना है इस जगह पर ला कर इसको यहाँ पर बिठा देना। चलिए बैठ गया, उसका क्या करना है इसको डन कर देना। डन करने वाले क्या करना है, इसको फिर से लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में क्लिक करना है। आपको एक और ले लेना है इमेज। चलिए मैं इस वाला इमेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अपना बस फोटो इसमें लगाना है। उसका यहाँ से लेयर को बढ़ा दीजिए और इस लेयर को नीचे ही बढ़ा दीजिए और इसमें एक एनिमेशन डाल दीजिए। यहाँ से इन एनिमेशन में जाने के बाद अब कोई सा भी एनिमेशन डाल देना है। चलिए मैं इस एनिमेशन डाल देते हैं। तो फिर से लेयर पर क्लिक करना है, ओवर लेयर जाकर आपको एक और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं इस वाले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से डन कर दीजिए। डन करके लेयर को बढ़ा दीजिए और क्या करना है इसको सबसे लास्ट में आने के बाद क्या करना है इसको इस लाइट को इस तरह से घुमा देना है। इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए और इसको यहाँ पर बिठा दीजिए ताकि ऊपर जो फोटो निकलेगा उस पर सही से एडजस्ट हो जाएगा। चलिए हो गया, उससे क्या करना है इसको लेयर डन कर देना है। आपको अगर डीजे लाइट वाला आपके पास नहीं है तो कैसे ये डाउनलोड होता है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके आपको ऊपर में यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आप आसानी से डीजे लाइट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करिए और आपको एक और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लेयर इस तरह से बढ़ा देना और यहाँ पर एडजस्ट करके इसको लेयर को बढ़ा देना। लेयर को बढ़ा देने के बाद क्या करना, फिर से इसको यहाँ पर से डन कर दीजिए और यहाँ से फिर लेयर पर क्लिक करिए और यहाँ से ओवर लेयर में जाके आपको एक और ले लेना है। तो इस वाला इफेक्ट्स को यहाँ से ले लेना है और इसको क्या करना है यहाँ से आपको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ से इसको एडजस्ट करना है, इसको लेयर को बढ़ा दीजिए। यहाँ से बढ़ा देने के बाद क्या करना है इसको इस जगह ले आना, इस जगह आने के साथ से इसको बढ़ा दीजिए और इसको कर दीजिए बैक, सेंड टू इसको बैक कर देना है। यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद फिर से यहाँ पर डन कर दीजिए इसको। डन करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करिए, ओवर लेयर में जाके आप एक और इफेक्ट्स ले लेना है। चलिए मैं इस यहाँ से लाल वाला फिक्स को इस जगह से लाल वाला फिक्स को ले लेते हैं, एडजस्ट करके लेयर को इसको यहाँ से बढ़ा देना। बढ़ा देने के बाद क्या करना है इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना है, इस जगह पर एडजस्ट कर दीजिए यहाँ पर। और इसको क्या करना है सेंड टू बैक कर देना, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको बैक कर दीजिए और यहाँ से इसको डन कर दीजिए। उसका आपको एक यहाँ से क्या करना है ऑडियो लगा देना है, आपका जो भी म्यूजिक हो म्यूजिक आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से म्यूजिक लगा देते हैं, उसके आपको चला कर दिखाते हैं। यहाँ से आपको म्यूजिक लगा दीजिए, इसको डन कर दीजिए। डन कर चलिए आपको चला कर दिखाते हैं किस तरह बना है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को सबसे लाइक कर देगा, चाहे अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में चार वीडियो देख रहे हैं, चार वीडियो उसको सारी वीडियो आप आसानी से देख लीजिए और जो आपको अच्छा लगे और कमेंट में जो आपको सुझाव है कमेंट कर सकते हैं अगला वीडियो किस तरह से आइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।